हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 20.2। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि प्रोट्रैक्टर के द्वारा एंगल कैसे बनाए जाते हैं या एंगल को आप कैसे नापते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। एक्सटीरियर और इंटीरियर, बाह्य बिंदु और आंतरिक यानी कि अंदर वाला बिंदु के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, सी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, आपको कहा गया है, जो आपको चित्र दिया गया है उस चित्र में से देखकर, जो फिगर आकृति दी गई है उसमें से देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट, फिगर तो भाई हमने बनाई नहीं, ठीक है जी, बना लेते हैं फिगर। पी ओ क्यू, ये हमारा P है, पॉइंट है, ये हमारा O है और ये हमारा Q है, ठीक है। ये हमारा एंगल है। एंगल का मतलब होता है बीच का जो क्षेत्र है यानी कि एरिया है, ये एंगल है, ठीक है। और यहां पे एक दिया गया है पॉइंट B और यहाँ पे दिया गया है पॉइंट ए और एक पॉइंट दिया गया है जी यहाँ पे डी और एक पॉइंट दिया गया है जी यहाँ से सी। तो जो हमारी फिगर है वो कंप्लीट हो गई, है ना। एक एंगल दिया गया है पी ओ क्यू, है ना। इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं इसके अंदर ए बी और दो पॉइंट दिए गए हैं सी और डी बाहर, यानी कि इन माने अंदर, एक्सटीरियर यानी कि बाहर ही है। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो एक्सटीरियर इंटीरियर वाली वीडियो देखी होगी, है बेस ऑफ ज्योमेट्री, तो आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं देखी तो आप ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है जी। या अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो जो भी एक्सरसाइज से पहले दिए गया है आपको समझाने के लिए, वे सब आप रीड करें, पढ़ें, ठीक है। तो देखिए, ए इज इन द, ए है इन माने में, कह में ऑफ ए ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू के ए कहाँ है जी, अंदर है, है ना। जो ए पॉइंट है वो कहाँ है, अंदर। तो इंटीरियर पॉइंट है तो हम यहां लिखेंगे इंटीरियर, आई एन टी ई आर आई ओ आर, इंटीरियर। ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, तो भाई इसके अंदर है ना, देख लो आप अंदर ही है ना, तो इसलिए इन माने अंदर। B इज इन द, भाई B भी अंदर है तो इसमें भी यही आ जाएगा सेम का सेम। तो B इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल पी ओ क्यू, ये रहा B। और C इज इन द, C कहाँ है, एक्सटीरियर है, बाह्य है, बाहर है इससे, तो हम यहां लिख देंगे एक्सटीरियर, एक्स टी ई आर आई ओ आर। इंटीरियर की स्पेलिंग दोनों में वही रहेगी, इनकी बदलेगी, इनकी जगह एक्स लग जाएगा, ई एक्स एक्स, एक्सटीरियर माने बाह्य, बार वाला। अब डी कह रहा जी, डी इज इन द, डी कहा है जी, डी भी बार है तो इसमें भी सेम का सेम आ जाएगा एक्सटीरियर।
ठीक है जी, हो गया। अब विच पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्रीज, कॉमन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पर कौन से पॉइंट हैं? तो आप देख सकते हैं एक तो क्यू पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, तो ये क्या है जी, बाउंड्री पे है, यही तो हमारी बाउंड्री है ना, लाइन सेगमेंट है ना, तो इन्हें बाउंड्री भी कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं पी एंड क्यू, पी और क्यू जो पॉइंट है वे बाउंड्री पर है, ऑन द लाइन्स, है ना। अब जी क्वेश्चन नंबर टू, मार्क द वर्टेक्स एंड साइड ऑफ ईच एंगल, ये कह रहा कि मार्क लगाइए, टिक लगाइए, है ना। तो स्टूडेंट हम टिक तो कैसे लगाएंगे, तो हम इनके नेम लिख देंगे, जो वर्टेक्स है उसके भी नाम लिख देंगे और जो इसकी साइड है इसके भी नाम लिख देंगे, ठीक है जी। तो हमने नीचे लिख लिया है इनके, देखिए तो हमने वर्टेक्स लिख लिया, वर्टेक्स पर टिक क्या होता है भाई, वर्टेक्स की पहचान करनी, क्या होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब है पॉइंट, कोने वाला, कॉर्नर, है ना, जहां से एंगल बनता है, एंगल हमारा यहीं से तो बनेगा भाई, एंगल यही तो बने जिस पॉइंट पे आके दो रे मिल जाती है, है ना, या जिस एक पॉइंट से दो रे चलती है वही हमारा वर्टेक्स होता है, कॉर्नर, ठीक है, कोना। तो जो मेन, अगर आप इस एंगल का नाम लिखना चाहे भाई, इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम बी है, बी तो एंगल है ना, मेन जो है वो बी है, ठीक है। तो आप वर्टेक्स लिखना चाह रहे हैं इसमें, तो वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स इसका हो गया जी बी, ठीक है। वर्टेक्स तो हमेशा एक ही रहेगा, जहां दो रे आकर मिलती है वही वर्टेक्स होता है, ये वाला जहां कोना बनता है, कोन, कॉर्नर, ठीक है जी, यही वर्टेक्स होता है। तो ये तो हो गया बी, अब साइड कितनी होगी, साइड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप स्टूडेंट कर्म वाइज ही लिख ले वही अच्छा है। तो एक एक लाइन सेगमेंट रे तो होगी हमारी ये ए बी, ए बी एक रे है हमारी, हमने लिख दिया ए बी, कोमा लगा के, दूसरी रे का क्या नाम है जी बी सी, तो हमने बी सी लिख दिया इस तरह। ये इसकी दो साइड है, है ना, साइड, भुजा, आर्म, लाइन सेगमेंट, रे, कुछ ही कह लो आपकी इच्छा है। अब इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, क्यू, और इसकी इसकी दो साइड कौन सी हो जाएंगी जी, पी क्यू और जी क्यू आर, ठीक है जी। अब इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वाई, है ना, और इसकी साइड क्या हो जाएगी, एक्स वाई, दो रे हैं एक्स और जेड, एक्स वाई, एक्स वाई वाई जेड, ठीक है जी, दो इसकी साइड हो गई, ठीक है। तो इस तरह आपने इनके, अगर स्टूडेंट इसका नाम लिखने को कहता तो आप नाम वर्टेक्स ना कहते भाई, इस एंगल का नाम लिखो, तो आप इसका वाई लिख सकते थे, ठीक है। अगर इसका नाम लिखने को दूसरे तरीके से कहता तो आप ऐसे लिख सकते थे, एक्स वाई जेड, या जेड वाई एक्स, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन जो बीच का वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में ही रहता है, वर्टेक्स हमेशा बीच में ही रहता है एंगल का नाम लिखते समय, ठीक है जी। राइट द टाइप ऑफ द एंगल, क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द टाइप ऑफ द एंगल, जो है एंगल दे रखे इनके आपको टाइप लिखने हैं, ठीक है जी, ये किस टाइप के हैं। तो हमने आपको टाइप ऑफ द एंगल सिखाए थे, समझाए थे, सात प्रकार के एंगल होते हैं, है ना, एक तो जीरो, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और जी स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और जी कंप्लीट एंगल,
है ना स्टूडेंट। तो हमने सात प्रकार के एंगल के बारे में आपको समझा रखा, आप इन्हें अच्छी प्रकार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो में जाके आप टाइप ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द बेस वाली उस पर देख सकते हैं, उसके चार पार्ट हैं स्टूडेंट, वे आप चारों देख लेना, ठीक है जी। तो हम आपको बता दें, जिसकी नाप, जिस एंगल की नाप पूरी 90 डिग्री की होगी स्टूडेंट, आप करो, आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए इस तरह का, इससे आप इसे नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इससे मेजर करके आप इसे देख सकते हैं अगर पूरा 90 का है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसे नापेंगे ऐसे, तो ये पूरा 90 का है, तो ये राइट एंगल होगा। अगर 90 डिग्री है किसी की भी, राइट, आर आई जी एच टी, राइट एंगल, ए एन जी एल ई एंगल, तो ये राइट एंगल है। अगर किसी की माप पूरी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो राइट एंगल होगा। ओके स्टूडेंट, अगर 90 से अधिक है, मोर देन 90 है, और 180 से कम है, इस बीच में है, तो वे सभी क्या होंगे, ओब्ट्यूज। कौन से होंगे जी, ओब्ट्यूज, ओ बी टी यू एस ई, ओब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से तो अधिक होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, जिनकी माप 91 होगा, 110 होगा, 150 होगा, 170 होगा, 179 होगा, जितने भी उनके बीच में होंगे वे सब ऑब्ट्यूज होंगे, ठीक है जी। अब ये वाला, अब इसे अगर हम देखें, इसकी माप होती है, इसका नाम होता है जी एक्यूट एंगल, एक्यूट, ए सी टी यू एक्यूट, ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल, ए एन जी एल ई, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो जीरो से अधिक और 90 डिग्री से छोटा होता है, इसके बीच होता है, तो वो ही एक्यूट होता है, ठीक है जी। और स्ट्रेट कौन सा होता है, स्ट्रेट वो होता है जो 180 का होता है पूरा, यानी कि एक लाइन सीधी लाइन, जैसे आपकी कॉपी में दी गई है लाइन, यानी कि ओरिजेंटल लाइन है, जो इससे अधिक का हो जाता है वो रिफ्लेक्स हो जाता है, और जो पूरा सर्किल हो जाता है वो 360 का हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको ये पता होना चाहिए इनकी माप, आप प्रोपेक्टेशन आपके भी इसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द प्रोटेक्टर टू मेजर द फ्लोइंग एंगल। स्टूडेंट, अपने प्रोटेक्टर का यानी कि चंदे का उपयोग कीजिए इन एंगल को मापने के लिए, आपको बताना है ये कितने डिग्री के एंगल हैं, है ना जी। तो स्टूडेंट, आपके पास सबसे पहले इस प्रकार का चंदा या प्रोटेक्टर होना चाहिए, ठीक है जी, इसका नाम है। तो ये जब आप खरीदेंगे तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना आपको, कि इसके बीच में यहाँ पे ऐसे होल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ऐसे, अगर ये एक तो ओरिजेंटल लाइन होती है इसमें, है ना, और एक वर्टिकल होती है ऊपर से आती है, तो ये वर्टिकल यहाँ तक बीच में यहाँ तक मिली हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहता ये यहाँ से कट होगी और ऐसे ऐसे दे दिया, तो इसमें कट नहीं होना चाहिए बीच में, है ना, या इसमें छेद नहीं होना चाहिए, या फिर कट भी ना हो, फिर ये लाइन यहाँ तक ना हो, तो भी ऐसा मत लें, क्योंकि उसमें नापने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो जब भी आप लें तो
देख के लें और ऐसा लें कि ऊपर से जो लाइन आ रही है 90 डिग्री की, तो बिल्कुल सीधी यहाँ मिली हुई होनी चाहिए ताकि आपको पॉइंट को फाइंड करने में आसानी रहे। ठीक है जी, देखिए इसमें जैसे ये है बिल्कुल ऊपर से सीधी आ रही है ना, यही आ रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर मिल रही है ना, तो ये बिल्कुल सही है। एक होता है हमारे पास कहाँ चला गया भाई, चलो नहीं मिल रहा अब। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए आपके पास। तो भाई आप इन्हें कैसे मापेंगे, देखिए जो इधर से जीरो से शुरू है आप इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, 0 10 है ना, 30 40 50 ऐसे लिखा हुआ है, 70, तो इस वाले स्केल का प्रयोग करेंगे, ऊपर वाले का नहीं करेंगे क्योंकि ये उल्टा है ना। सबसे पहले जो ये ऊपर की लाइन आ रही और ये लाइन है, देखिए जो ऊपर से ऐसे आ रही और ये आ रही, तो इस वाली नोक को बिल्कुल यहाँ पे रखना है, इस नोक पे, इसे ना थोड़ी सी भी इधर नहीं होनी चाहिए ना थोड़ी सी इधर होनी चाहिए। और जो ये लाइन है ना, ये आपकी लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है नीचे की जिसपे जीरो लिखा हुआ है, इस लाइन के नीचे ये लाइन पूरी आ जानी चाहिए, यहां से दिखनी चाहिए कि हाँ ये इसके लाइन के नीचे है या नहीं, बिल्कुल एकदम ना थोड़ी सी भी ऊपर होनी चाहिए ना थोड़ी सी नीचे। ठीक है, और ऐसे इसे रखेंगे यहां पे, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट पे रखेंगे बिल्कुल यहां, और देखेंगे ये जो इसकी लाइन है ये इसके नीचे, यहां से देख लेंगे, चेक कर लेंगे, बिल्कुल इसके नीचे आ रही नहीं, आ गई। तो स्टूडेंट देखें तो ये बिल्कुल यहां जा रही है 40 पे, जा रही है ना 40 पे, देख सकते हैं आप, तो आप इसे लिख सकते हैं 40 डिग्री है ना, तो ये 40 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार आप इस वाले को माप लेंगे, ये हमने हाथ से बनाए थे ऐसे ही, तो ये सही नहीं है थोड़े, है ना, ये इसके नीचे आ रहे हैं तो स्टूडेंट, और ये बिल्कुल 90 पे है ना, देखो एकदम, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का है। ओके आप जी ये वाला देख लीजिए, बिल्कुल पॉइंट के पॉइंट को पॉइंट पे रखेंगे, इस लाइन के नीचे, इस लाइन को देखेंगे यहाँ पे कि भैया अभी रही इसके नीचे आ रही है ना, तो यहाँ से ऊपर इस यहाँ से पढ़ लेंगे अब कहाँ पे आ रही, तो हमने देखा 110 पे आ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 110। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप इसके द्वारा, प्रोपेक्टर के द्वारा, चिंता के द्वारा आप इन्हें नाप सकते हैं और इन्हें लिख सकते हैं। मापने का तरीका बताई दिया हमने, ये पॉइंट बिल्कुल पॉइंट पर होना चाहिए, इस लाइन के नीचे जो आपकी लाइन है एंगल की वो होनी चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइड से वो उसके नीचे है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेट है या नहीं, तो जब सेट हो जाए जहाँ भी रीडिंग जाए है ना उसे आप रीड कर लीजिए और एंगल की जो माप है वो लिखी जाएगी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी, राइट The kind of each angles, तो जो ये एंगल है इन्हें, ये किस, जो इनकी रीडिंग दे रखी है तो ये किस प्रकार के एंगल है आपको ये लिखना है। ठीक है जी, तो इसे भी कर लेते हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, राइट द काइंड ऑफ ईच एंगल, इन एंगल के प्रकार लिखने हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो है वह 0 से लेकर 180 तक के दे रखे हैं, रिफ्लेक्स और कंप्लीट नहीं है, है ना, हमने देख लिया। तो या आप सभी प्रकार के एंगल, जितने भी प्रकार के एंगल होते हैं 7 के 7 आप लिख सकते हैं उनके नाम, और जिसकी माप जिसके आगे आती है उसे उसके नीचे लिख सकते हैं।
तो जो जिनकी डिग्री 0 से 90 के बीच होगी, 90 नहीं, ध्यान दें, ना तो 0 होगी ना 90 होगी, इन दोनों के बीच की होगी। तो जिनकी माप 0 से 90 के बीच हो तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। देखो पहले 40 है तो हम यहाँ 40 लिखेंगे, 75 है 75 लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट एक बार डिग्री बनाने देख लीजिए, डिग्री को छोटी सी जीरो सी बनाते हैं और इसके बीच में गैप देते हैं हल्का सा, यानी कि इसमें गैप ही नहीं है, ऐसे बना दी डॉट की तरह, ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, छोटी सी बनाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे। फिर 91 है, 91 90 से ज्यादा है, इसके बीच में होना चाहिए था, हमने इसे लिखा नहीं। फिर 90 है, इसे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 90 में ये आ रहा, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये 30 है, ये आएगा इसके बीच में। तो देख लेना है जो 0 से 90 के बीच में आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें 3 आए, ठीक है। अब हम राइट एंगल देखेंगे, राइट एंगल कौन सा होता है जो पूरे 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का इसमें एक ही है जी, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री एक ही है। फिर हम देखेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज में कौन आएंगे जो 90 से 180 के बीच में होंगे, तो ये भी है, ये भी नहीं है, ये है जी 90 से अधिक है, 91 है। फिर 19 आने का 101 आ जाएगा, 101 आ गया, 180 नहीं आने का क्योंकि इसके बीच का ना 30 भी नहीं आने का, 179 आ जाएगा, 179 और 111, ठीक है जी, और 160 भी सी में ही आएगा। ओके स्टूडेंट, अब 180 देखो यहाँ है, वो जो इसमें अकेला ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो जिसके आ गया है वही वही एंगल है, एक्यूट एंगल कौन है, 40 है, 75 है, 30 है, ये सारे क्या है जी, एक्यूट एंगल है। राइट एंगल में सिर्फ एक 90 डिग्री आएगा, ऑब्ट्यूज में 91, 101, 179 और 111 और 160, ये सारे कैसे हैं, ये सारे ऑब्ट्यूज हैं क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो इसके बीच में है और 180 का एक है। ओके स्टूडेंट, या आप इन्हें अलग अलग भी लिख सकते थे, ऐसे कि भाई ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, है? ये ऑब्ट्यूज है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है, ऐसे भी आप इन्हें लिख सकते थे अलग अलग भी, पर इस तरह थोड़ा सा सही रहेगा, एक बार के में सारे इसके नीचे ही आ गए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 20.2 भी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्हें जरूर घर पर रिवीजन करें, इनका करके देखें क्योंकि आपको इतना वक्त नहीं मिलने वाला पेपरों के लिए, है ना, तो आप इन्हें थोड़ा थोड़ा रिवीजन सबका करते रहें, जो चीज़ आपसे नहीं आती जो समझ में आ गई अच्छी बात है, अगर कोई नहीं आ रही फिर भी समझ में देखने के बावजूद भी तो आपके लिए उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।